अगर आप भी चेयर्स बाई करना चाहती हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इससे आपको डिफरेंट चेयर्स की डिफरेंट कीमतें जो हैं उनका थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ताकि आप बाज़ार जाएँ तो आपका एक माइंडसेट बना हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। टुडे आई एम गोइंग टू बाज़ार। मुझे बाय करनी है चेयर्स प्लास्टिक की, और मैं जा रही हूँ जहाँ पे होल सेल प्राइस पे चेयर्स मिलती हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंट प्लास्टिक की चेयर्स की प्राइस बताऊँगी, जिसमें लोकल प्लास्टिक की चेयर्स, किंग चेयर्स एंड बोस वालों की जो चेयर्स हैं उनकी क्या प्राइस है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी, कुछ हैंडमेड चीज़ें दिखाऊंगी अपनी जो मैंने बनाई थी। ये ऊपर वाली कितने की है? ये 2800 रुपये का। 8000 ऊपर? 8800। अच्छा, और ये जो नीचे लगा हुआ है 8200 रुपये का। और 11000, ये 11000 की है। ये कलर मिल जाएगा और एक और कलर मिल जाएगा। बहुत सारी वैरायटी है इनके पास चेयर्स की। ये वाली इन्होंने 13500 की लगाई है। ये वाली जो ऊपर ब्राउन है, ये इन्होंने 7500 में लगाई हुई है। ये वाली 10000 की लगी है। ये वाइट वाली जो है, ये 17000 में। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। देखो ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा। वो जो है ये 7500 में लगा हुआ है, और ये जो ब्लैक में है ये 8500। चल। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो व्लॉग बनाया था उसमें ये मैंने स्पैरो हाउस दिखाया था, और मुझे कमेंट आया था कि आपने कहाँ से बाय किया है। तो भाई, ये मैंने बाय नहीं किया, ये सुमैया की अपनी एफर्ट है। ये एक बॉक्स लेकर उसके ऊपर मैंने ये चढ़ाया था चार्ट, यहाँ से मैंने ये डोर शेप में काटा था। और ये है स्काई ब्लू कलर का चार्ट, और उसके ऊपर पिंक चार्ट से ये मैंने डॉट्स लगाए थे काट के, नज़र आ गया। और फिर मैंने ये अपनी एक पोनी से उतार के लगाया था। और ये जो स्पैरो है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये मैंने फॉर्मिंग शीट की बनाई थी। और ये मेरे पास एक पुराने वाला ब्लश ऑन था, आप यहाँ से देख सकते हैं, बस ये दूर से ब्लैक लगता है, ये मैंने वो काट के लगाया था। और फिर इस तरह से मेरी स्पैरो तैयार होगी। पहले ये मैंने पेपर पर काटी थी, फिर फॉर्मिंग शीट पर काट के, और फिर इस तरह से मैंने अपनी स्पैरो तैयार की थी। अच्छा, ये जो इसका घोंसला है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये है सिल्वर की प्लेट बीच में छोटी सी, और ये जो ऊपर लगे हुए हैं ये हैं जो फूल झाड़ू होता है उसके, मैंने काट के इस पूरी प्लेट के ऊपर, मैंने ऊपर भी नीचे भी हर तरफ UHU लगा के, और उसके ऊपर मैंने ये चिपकाए थे। और ये जो मैंने स्पैरो का एग रखा हुआ है बीच में, ये रुई है, एक और भी इसमें था, हाँ ये एक और भी मैंने रखा हुआ है, वो भी बीच में। ये मैंने वाइट कलर का अपनी शर्ट से स्टोन उतार के तो ये इस तरह से रखा था। तो इस तरह से ये मेरा एक प्यारा सा स्पैरो हाउस जो है वो तैयार हो गया। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा मेरे घर आए कि आप ही हमें दे दें और हमसे पैसे ले लें। मैंने कहा नहीं, सॉरी, मैंने तो बहुत एफर्ट करके बनाया है ये। और अच्छा, इसके साथ ये जो ट्री पड़ा हुआ है ये भी मैंने खुद बनाया। अच्छा, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि मैं गई थी अपनी कज़न के घर, वो लोग लकड़ियाँ जलाते हैं गांव में, तो ये उसकी मम्मा आग जलाने लगी थी। ये आप देख सकते हैं बैक साइड से ना, ये इस तरह से कटी हुई लकड़ी, इसके साथ थोड़े थोड़े से कांटे भी थे। फिर मैं इसको वहाँ से उठा के ले आई घर आके, मैंने इसको पहले वो छिलके छिलके सारे उतार के ब्राउन मैरून पेंट किया, और ये बीच में ब्लैक भी नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा ब्लैक पेंट भी किया। और ये वाला ग्रीन मैंने अपनी शर्ट से ही उतार के लगाया था, और ये वाला फॉर्मिक फ्लावर जो है ये मैंने अपनी एक फ्रेंड से लिया था, और उसके अंदर ये मैंने पैरेट कलर का जो है एक मोती उतारा था अपनी शर्ट से, पुरानी शर्ट से वो लगाया था। अच्छा, और फिर मसला बन गया कि ये ना इधर से खड़ा नहीं होता था, ये नीचे से स्ट्रेट नहीं है, फिर तो फिर मैंने की लगा के इसको ना इस तरह से बस कुछ एडजस्टमेंट मैंने की हुई है ऐसे, अभी भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। और ये वो जो ग्रीन ग्रास है ये मैंने दराज से बाय किया था,
और इस तरह से मेरा ये ब्यूटीफुल सा कॉर्नर आई ब्राइज हो गया। मैं आपको थोड़ा सा दूर करके भी दिखा देती हूँ, ये ऐसे। मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा शौक होता था इन चीज़ों का। मैं बचपन में हाउस बनाती थी डबल ट्रिपल पोर्शन, गत्ते काट काट के, तो शीट्स, तो स्कॉच टेप। खैर अब तो मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं होता, तो ये दोनों डेकोरेशन पीस भी मेरे पास बहुत पुराने पड़े हुए हैं। मेरा टारगेट है कि मैं प्रॉपर चाय छोड़ दूँ, लेकिन अभी तक प्रॉपर तो मैं नहीं छोड़ सकी। लेकिन ये है, सुबह तो पीती हूँ मैं, अभी मैंने छोड़ दिए मतलब शाम की। सो एज़ यू नो दैट इस मंथ्स ऑफ रबीउल अव्वल, तो हमारे घर के पास ही मॉस्क है। इस टाइम बच्चे वहाँ पे जो आते हैं सुपारा पढ़ने के लिए, वो उस टाइम नात पढ़े होते हैं। आप भी सुने ज़रा। पहले ये बच्चे सारे माइक में तिलावत करते हैं, जिसकी भी डेली बेस पे सबसे अच्छी सूरत याद होती है, और उसके बाद ये नात पढ़ते हैं। वो मदर्स जो ये मेरा व्लॉग देख रही हैं, अपने बच्चों को पारा नंबर 30 की जो लास्ट सूरतें हैं वो स्पेशली मेमोराइज करवाएं, और फिर उनके टीचर्स को बोला करें कि इनसे असेंबली में जो है वो सुना करें, घर में भी उनको प्रैक्टिस करवाया करें। फिर जब बच्चे नमाज पढ़ते हैं तो उनको बोला करें कि सूरत इखलास की जगह पे आपने जो भी सूरत याद की हुई है वो पढ़ा करें। तो लो जी, इधर मेरा ये तैयार हो गया। अब इसको खाने के बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। सो गाइस, खाने शाने करने के बाद अब मैं हो गई हूँ फ्री। अब मैं थोड़ी देर के लिए बुक रीडिंग करूँगी, और आज मैंने पढ़ना है अरिस्टोटल के बारे में। अच्छा, आप नाइट टाइम में स्टडी कर रहे हो या वैसे कोई बुक रीड आउट कर रहे हो? जब हम लेट के बुक रीड आउट करते हैं तो उससे हमारा जो फोकस होता है वो 50% चला जाता है बुक की तरफ, लेकिन जब हम बैठ के पढ़ते हैं तो हमारी जो फुल फोकस और अटेंशन होती है वो बुक की तरफ होती है। रात को पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जब हम सुबह सोते हैं तो वो सारा कुछ हमारे माइंड में होता है, और सुबह जब हम जागते हैं एक दफ़ा उसको मोटा मोटा सा अगर रिवाइज़ कर लें तो मैं कहती हूँ कि वो कभी भी नहीं भूलता। एंड बुक रीडिंग बहुत डार्क लाइट पे भी नहीं करनी चाहिए, और बहुत हल्की रोशनी पर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डार्क लाइट हो तो भी इंसान कंफर्टेबल नहीं होता, और अगर बहुत लाइट हो रोशनी तो फिर भी जो वर्ड्स होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, यू नो आई साइड वीक हो जाती है। सो ये लाइट, इतनी लाइट रखे तो स्टडी करनी चाहिए। तो बस जी, यहाँ तक थे मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।